Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School Tehra. Myself Sumit Thakkar. हमारा जो पिछला वीडियो था बेटा 11th क्लास का, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। अब हमारा जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ने वाले बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ने वाले बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और क्या इससे रिलेटेड दो थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी आगे फर्दर न्यूमेरिकल निकालने के काम आएगी, ठीक है। उन थ्योरम्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर बेटा एक रेडियस ऑफ जायरेशन होता है जो कि एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं बेटा आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। जैसे कि आपको न्यूटन का लॉ पता होगा, या इनर्शिया की हम बात करें, इनर्शिया बेसिकली तीन टाइप के होते हैं बेटा। हम तीनों में से कौन सा किसका नाम है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद था इनर्शिया ऑफ मोशन, और इसके बाद था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तीनों में एक एग्जांपल के साथ चलेंगे, एग्जांपल समझेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो बेटा। फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज। और जब तक आप उस पर फोर्स लगाते हो तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। अगर जैसे आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। मान लो सपोज करो जैसे ये बॉडी है अपनी जगह पर है, अपने आप ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कब तक नहीं करेगा? जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा। ये हमारा न्यूटन्स लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर ही रहेगा, और मोशन में है तो किस पर रहेगा? मोशन में रहेगा। तो इनर्शिया एक टाइप की किसी भी ऑब्जेक्ट की हो गई बेटा इनकैपेबिलिटी या इनएबिलिटी, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन रेस्ट की चेंज ना कर पाए, ठीक है। इनर्शिया क्या हो गया बेटा? इनर्शिया हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया? इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इनएबिलिटी ड्यू टू विच इट डू नॉट चेंज, इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से वो अपनी पोजिशन जो है रेस्ट की उसको चेंज नहीं करता, उसकी इनएबिलिटी, ठीक है। मान लो जैसे सपोज करो ये डस्टर या चौकी है, ये मार्कर है, ये आपने यहां रखा हुआ है, ये अपने आप अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी जो इनकैपेबिलिटी है या इनएबिलिटी है जिसकी वजह से ये अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर पा रहा, इसी को हम क्या बोलते थे? इनर्शिया। और वो क्या हो गया हमारा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये कोई बॉल है, ठीक है, और ये बॉल वी वेलोसिटी से चल रही है। न्यूटन का लॉ बोलता है अगर इस बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मान लो इस बॉल पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स की वैल्यू इस बॉल पर जीरो है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जिस वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसकी जो इनएबिलिटी है जिसकी वजह से ये अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये अपना मोशन चेंज नहीं कर पा रहा, इसके मोशन को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन इज एन इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स चेंज इट डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ मोशन, वो अपने आप अपनी मोशन की पोजिशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। हमें उसकी पोजिशन को अगर चेंज करना है तो हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा? फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मान लो कोई बॉल है वो सर्कुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूसली घूम रही है,
कब वो अपनी चीज सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रही, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर मोशन में होता है या रोटेटरी मोशन में होता है, रोटेशन मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली अपनी क्या चेंज करता रहता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है। अगर आपको उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली बढ़ाना है, मान लो वेलोसिटी को या तो आपको इंक्रीज करना है कि रोटेशन की वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, या फिर उसकी वेलोसिटी को आपको क्या करना है कम, तो या तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी उस पर आपको लगाना पड़ेगा टॉर्क, ठीक है, जो एंगुलर मोशन में फोर्स उसको क्या बोलते हैं टॉर्क, और अगर आप उसकी वेलोसिटी कम करना चाहते हो तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा टॉर्क। अगर आप उसमें टॉर्क नहीं लगाओगे तो कंटिन्यूअसली किस में घूमता रहेगा बेटा, रोटेटरी मोशन में घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहेगा चेंज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जिसकी वजह से वो अपनी जो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, उस डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसकी उस डायरेक्शन को ना तो वो क्या कर पाए बदल पाए, ना वैसे कर पाए यहां पर पाए सेम कर पाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, एग्जांपल से आपको शायद होप सो कि क्लियर हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कई बार क्या बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलो, सभी सेम बात है। सपोज करो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर शेप का है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करा दिया इस एक्सिस के अबाउट, ये हमारा क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ क्या है बेटा रोटेशन, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अबाउट ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ऐसे ही रोटेट करता रहेगा। अगर आपको इसकी रोटेशनल वेलोसिटी को, या फिर बोल सकते हैं रोटेशनल वेलोसिटी का नाम क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, या फिर क्या करना है डिक्रीज, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा टॉर्क, अदरवाइज ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी क्या रखेगी चेंज नहीं करेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा कॉन्स्टेंट। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रख रही है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये कंटिन्यूअसली किस में है मोशन में है, और ये कंटिन्यूअसली अपनी क्या चेंज कर रही है डायरेक्शन चेंज कर रही है, उस प्रॉपर्टी को या फिर उस इन कैपेबिलिटी को, मान लो ये पेन ऐसे ही घूम रहा है, अगर इस पेन पर बाहर से कोई टॉर्क ना लगाओ तो, अगर इस पर पेन पे एक टॉर्क लगा छोड़ दो, अगर बाहर से कोई टॉर्क ना लगाओ तो ये पेन कंटिन्यूअसली ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, है ना, कब तक, जब तक इसे बाहर से कोई टॉर्क ना लगाओ। तो इसकी इन कैपेबिलिटी हो गई, ये अपनी पोजिशन जो है रोटेशन की वो चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसी इन कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टर्म होगी आपको क्लियर होगी होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्या बोल सकते हैं इसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इट इज आई इनएबिलिटी, इनएबिलिटी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट नॉट एबल टू चेंज इट्स पोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ऑफ या बोल सकते रोटेशन, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपनी रोटेशन की जो पोजीशन है उसको चेंज ना कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या उसी को क्या बोल देते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान से समझना बेटा, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हमने एक सॉलिड स्फीयर रखा, ठीक है, इस पर हमने क्या रख दिया एक सॉलिड स्फीयर, ऐसे ही हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है सेम, जिसका इंक्लाइन प्लेन सेम है, जिसका एंगल ऑफ रिपोज जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, ये वाला एंगल भी आपका अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, यहां पर हम लोगों ने एक सिलेंडर रख दिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है,
ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सिलेंडर, दोनों का मास, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट सेम है। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर हम यहाँ सॉलिड स्फीयर को छोड़ें तो सॉलिड स्फीयर नीचे जाएगा, और सिलेंडर को छोड़ें तो सिलेंडर भी कहाँ जाएगा, नीचे। सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा बेटा, ये हम फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल नॉलेज से जान सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर पहले पहुंच जाएगा नीचे, और जो सिलेंडर है वो कहाँ पहुंचेगा बेटा, बाद में पहुंचेगा। अब सॉलिड स्फीयर पहले पहुंच गया है, सिलेंडर कम पहुंचा, इसका मतलब यह सॉलिड स्फीयर की जो मोशन की, सॉलिड स्फीयर की जो रोटेशन है उसको हम इजिली चेंज कर पा रहे हैं। सॉलिड स्फीयर की रोटेशन को हम क्या कर पा रहे हैं, इजिली चेंज कर पा रहे हैं, और सॉलिड सिलेंडर का जो रोटेशन है उसको चेंज करने में थोड़ी सी क्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, ध्यान सुनना, तो उसकी पोजीशन को या उसको रोटेट कराने में, उसको टर्न कराने में आपको डिफिकल्टी होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो उसको रोटेट कराने में और उसको टर्न कराने में डिफिकल्टी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। हम लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ा था, और साथ में हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, या फिर जो हो सकते हैं आप रोटेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, दो मोशन हम पढ़ चुके हैं। लीनियर मोशन में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स को हम डिनोट करते थे एफ से, ऐसे ही सर्कुलर मोशन हम मोशन इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, फोर्स की जगह पर क्या आ गया, टॉर्क। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम था पी, जिसको हम बोलते थे मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यहां पर एंगुलर मोमेंटम आ गया जिसका नाम क्या था, मास वेलोसिटी और रेडियस, एमवीआर, जो भी हमने कल एक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम में, ठीक है, हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मान लो मास को डिनोट करते हैं किससे, एम से, ऐसे ही रोटेशनल मोमेंटम में जो मास का रोल खेल करता है या मास का रोल प्ले करता है उसका नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे लीनियर मोशन में मास रोल प्ले करता है वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, प्ले करता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है सपोज करो, और एक का मास 20 किलोग्राम है, सेम हम रोटेशन मोशन में भी ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है और एक का मास कितना किलोग्राम है, 20 किलोग्राम। मान लो इसको आपको इसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी को चेंज करना, दोनों की वेलोसिटी को चेंज करना है, तो दोनों की वेलोसिटी को चेंज करने में आसान किसको का चेंज करना, 10 किलोग्राम वाली को, 20 किलोग्राम की वेलोसिटी को चेंज करना है आपको तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसमें फोर्स की वैल्यू मान लो F1 लगी, इसमें फोर्स की वैल्यू मान लो कितनी लगी F2, तो F1 की वैल्यू कम होगी इससे F2 से। जैसे आपको मास किसी ऑब्जेक्ट का आइडिया देता है कि आपको उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, वैसे ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडिया देगा। अब आपके पास दो मास तो हो गए, अब दो मास की जगह पर मास न लेकर हम दे दो ऑब्जेक्ट, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई टू, आई वन ज्यादा है आई टू से, तो आई वन को रोटेट कराने के लिए ज्यादा टॉर्क लगेगा, आई टू को रोटेट कराने के लिए क्या लगेगा बेटा, कम टॉर्क लगेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो जैसे आपका लीनियर मोशन में जो मास जो है जो रोल प्ले करता है, वैसे ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, बहुत सारा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ोगे लीनियर मोशन में, जिसको हम मास से डिनोट कर रहे थे, सर्कुलर मोशन में उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ, सॉरी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऑब्जेक्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैसे हम डिफाइन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मान लो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है,
और ये कोई आपका फिक्स पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है, और ये पॉइंट आपका कैसा है बेटा, फिक्स। आपको इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है ऐसे, समझे? दोबारा समझ लो, मान लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, आपको इस ऑब्जेक्ट को इस फिक्स्ड पॉइंट, ये हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, आपको इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसको ऐसे रोटेट कराना है आपको, ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट से जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, आर। आर क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी मास है और जिस भी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराना है उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, आर। ये हमारे पास कितना हो गया, एम। एम हमारे पास मास है, आर हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस। आर कौन सी डिस्टेंस होगी, आर हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच में, मास एंड व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन की इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं माई से, ठीक है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बताइए, स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मास इनटू में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका होल स्क्वायर। कैसे बोलेंगे हम, डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ व्हाट बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। तो मतलब इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर हम बात करें यूनिट की बेटा, तो यूनिट की बात भी कर सकते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी। देखो मास की यूनिट सिंपल है, किलोग्राम हो गई, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हैं, आई से, एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आप डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्या चीज निकालनी है बेटा आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो बेटा मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो एम होता है, और डिस्टेंस का कितना होता है, एल, एल की पावर यहां पर कितना हो जाएगा, टू, टाइम यहां पर जीरो है, एम वन एल टू टी जीरो, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आपके पास देखो क्या हो सकता है, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया, मान लो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स है और उस पार्टिकल्स का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास। देखो सपोज करो बाल लॉ के पास एक मास ही है, इसकी वैल्यू एम वन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें, इसकी वैल्यू एम टू, ये एम थ्री, ये एम फोर, एंड बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बेटा ऐसे करते करते एम एन, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें इन सब मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे रोटेट कराना है, तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। तो ऑब्वियसली बात है, इससे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए हमको आर वन, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर टू, आर थ्री और आर फोर, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, आर एन। तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली एड कर दो। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट रोटेट ऐसे करेगा, ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, सो है ना। फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सो ऑन, जितने भी पार्टिकल सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्केलर क्वांटिटी इसको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, वो आएगा बेटा एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर एंड सो ऑन, कितना आएगा बेटा लास्ट में, एम एन
आर्यन का स्क्वायर। ठीक है, आप नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करो बेटा, समेशन आई इज इक्वल्स टू वन से लेकर कहां तक जाएगा, एम एम आई आर आई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसका हो गया बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसका हमने क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, होप सो कोई डाउट नहीं होगा, कैलकुलेट कर लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, देखो यहां पर एक और चीज है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकाला है, सपोज करो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस बॉडी, और आपके पास ये पॉइंट आपका फिक्स है और ये आपका एक्सिस ऑफ क्या हो गया, रोटेशन। ये क्या हो गया बेटा, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आपको इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस, हमारा क्या है एक्स एक्स डैश, ये हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या है एक्स एक्स डैश, हमें इस बॉडी का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई, इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे समेशन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसी बॉडी कॉन्टिन्यूस बॉडी का, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी निकाला था, वो भी किसकी हेल्प से निकाला था, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला था। यहां पर भी ये बॉडी कैसी है, कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास की तरह ही निकाला जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम क्या करेंगे बेटा, एक यहां पर स्मॉल मास ले लेंगे, जिस स्मॉल मास को क्या मान लिया हमने डीएम, और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी होगी बेटा, वो लिख लिया हमने आर, कितनी हो गई आर। तो इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेंगे कितना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, ऑफ दिस स्मॉल छोटू सा एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है, उस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आप आई से तो डिनोट करेंगे नहीं, क्योंकि आई तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इससे डिनोट करेंगे इसको डी आई से, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, डी एम स्मॉल मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब एक छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आपको किसका चाहिए बेटा, पूरी बॉडी का, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंटीग्रेशन डी आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी आई का इंटीग्रेशन क्या आएगा आई, इजिकल्स टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, ये फॉर्मूला हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड या कॉन्टिन्यूस बॉडी का। इसके लिए हो गया, देखो सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हुआ, अभी ड्राइव किया था एम आर स्क्वायर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन अभी ड्राइव किया था वन से लेकर एम आई आर आई का होल स्क्वायर। अगर हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी एम आर स्क्वायर, उसमें हमें करना कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएम को आर की टर्म में या फिर आर को डीएम की टर्म में, जैसे हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ मास क्लास के अंदर ही निकाला था, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया था एक सॉलिड स्पीयर का, और स्मॉल मास कंसीडर करके उसका पोजीशन वेक्टर निकाल के फिर हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैंने आपको मीनिंग बता दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया। ठीक है, अब हम देखो जैसे आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, आज पढ़ाएंगे इतना ही, आप नेक्स्ट आर्टिकल में क्या पढ़ने वाले हम कल देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, जिसका फॉर्मूला वो हाफ एम की जगह पर क्या आएगा आई, और वी की जगह पर क्या आएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सी होगी बेटा, ये हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। तो कल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कैसे रोटेशनल को हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर में, या फिर लीनियर को कन्वर्ट करेंगे रोटेशनल में, और क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। साथ ही कल ये डिस्कस भी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम है, जो थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस है और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।